अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपको दिख शो करवाते हैं मोतियों वालों का। मोतियों वाला पेड़ है एक मेरे पास, ये हमारे गुजरांवाला के बड़े मशहूर उस्ताद हैं हमायो साहब सियालकोट स्वीट्स वाले, उनके घर का है। तो उसके पास उन पट्ठा आया था, उससे मैं बच्चा लाया था, ये वो है। डायरेक्ट मुझे उनके घर से नहीं मिला, इसका मैं आपको आइस क्लोजअप करवाता हूँ। बच्चे दो आए थे मेरे पास, एक बच्चा मर गया था, बचाने की कोशिश बड़ी की थी, आया था कमज़ोर था, बस बचा नहीं। इसका पर चेक करें, इसकी नेल्स देखें, लंबे हैं लेकिन ब्लैक और वाइट थोड़ा थोड़ा सा शेड है, मतलब अलग अलग नहीं है। छोड़ के दिखाते हैं, इसकी मैं फ़ीमेल ले के आता हूँ, फिर मैं आपको शो करवाता हूँ उसका। जी दोस्तों ये फीमेल है इसकी, इसकी माइज दिखाता हूँ आपको। इसमें ना चूहा और मोतियों वाला क्रॉस है पट्टी में। ये बीमार हो गई थी, अभी 10-12 साल की हैं, इसने सिप वगैरह निकाल दी थी, फिर मैंने इसको गोल कर दिया, इसका ट्रीटमेंट किया, माशाल्लाह ये ठीक है। ये इसके साथ पैर लगी हुई है, इसके पंजे देख लें आप, पंजे ऑलमोस्ट दोनों के एक जैसे ही हैं। ये पेड़ है, अभी तक इन्होंने अंडे नहीं उतारे क्योंकि पट्टी अभी 10 पर साफ हुई है। अंडों पे उसने मोती को बगा तो रहा है, इंशाल्लाह उतार देगी जल्दी अंडे। ये मैं अब आपको मोतियों वालों का शो करवा रहा हूँ, तो चलें साथ साथ मैं आपको अपने दूसरे वैशी मोतियों वालों का भी शो करवा देता हूँ। फोन कर, मैंने कहा मोतियों वाले स्टार्ट हुए हैं, चलो दोस्तों को सब मोतियों वालों का शो करवा देते हैं। ये मादी है जी, लाल मोतियों वाली है, इसकी आइज देखें अच्छी है, ये फीमेल भी, ये देखें ये है दो क्रॉस में लेकिन अच्छी है। मैं इसका मेल लेके आता हूँ दोस्तों को, उसके मेल का भी शो करवाता हूँ। जी दोस्तों ये मेल है, उस फीमेल का जो मैंने आपको पहले दिखाई है लाल मोतियों वाली, ये वैशी मोतियों वाला मेल है। ये इसका पर चेक करवाता हूँ, ये बड़ा अच्छा है जी, इसके बड़े बच्चे उठ गए हैं इस पे। इसकी मैंने वीडियोस तस्वीरें पेज पे भी अपलोड की हुई हैं अपने दोस्तों ने, बड़ा इसको पसंद किया था। मोतियों वाले स्टार्ट हुए हैं, मैं आपको एक और मोतियों वाला दिखाता हूँ, उसका भी शो कर लें। जी दोस्तों ये भी वैशी मोतियों वाला, वो गुलाब सिरे, ये सर साफ है, ये बहुत खूबसूरत परिंदा जी। ये मैं दो से लेके आया हूँ, इसकी मतलब हड्डी जोड़ तो इतना कोई मुझे पसंद नहीं था, लेकिन खूबसूरती से मैं ले आया था क्योंकि मुझे नस्ल के साथ साथ खूबसूरत भी होना पसंद है। लेकिन मैं इसको मेंटेन कर लूँगा, इसके साथ फीमेल लगा के इसके बच्चे जो हैं मैं वो बैलेंस कर लूँगा। इतना सा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है करना, हड्डी का साइज़ ये चीज़ें मैं बना लूँगा खुद। अब दोस्तों एक और मेल आपको दिखाता हूँ, उसका भी शो करवाता हूँ आपको।
जी दोस्तों ये देखें मेल, ये एक दोस्त को किसी दोस्त से मैंने गिफ्ट लेके दिया था। तो उसके पास एक बच्चा था मेरा, टैडी पट्ठा बड़ा बना था, मैंने देखा था अच्छा था। तो उसने वैसे ही उसको उड़ाने के लिए छोड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार मुझे ब्रीडिंग के लिए दे दे उसको। मैं जब भी कॉल करता था तो मुझे ये परिंदा भेज देता था। फिर मैंने कहा ये इसमें कोई तो चीज़ है, मेरे पास बार बार आ रहा। फिर मैंने इसको रख ही लिया, मैंने कहा मैं इसकी ब्रीड ही करवाऊँगा। ये देखें इसके पंजे, मुझे कटे हुए ना बर्ड पसंद नहीं है, ये उसने काटा हुआ था। फिर मैंने इसको अब सर कर रहा हूँ, अभी ये सर नहीं है। आप इसके ये देखें बगल देखें, इसके पर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। अभी तो ये इसके ये देखें 10वीं गनी बहुत छोटी है, लेकिन ये परिंदा कमाल। इस साइड से आ कैसे खड़ी होने दिखा, दोस्तों ये मोतियों वाली फैमिली है मेरे पास। अभी इनके अलावा एक और भी है, वो अंडों पे बैठी है, मादा। देर बाद उसने अंडे उतारे हैं, तो मैं उसको उठाना नहीं चाहता। वैसे ही पकड़ ज़्यादा पकड़ो भी तो ये फिर मादियाँ अंडे देने छोड़ देती हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये कैसे लगे हैं बर्ड। मैंने अपनी तरफ से तो अच्छे ही रखे हुए हैं, लेकिन मैं कोई उस्ताद वगैरह तो हूँ नहीं, जितनी सी मुझे समझ है उसके मुताबिक मैंने अच्छे ही रखे हैं। जो सीनियर हैं जिनके एक्सपीरियंस है मुझे बताइएगा, ये अच्छे हैं ब्रीड वाले हैं अभी हैं कि नहीं हैं। लेकिन ये है कि ये जो दो एक जोड़ा पहले आप वैसे दिखाया मोतियों वाला, उसके बच्चे बहुत शानदार हैं। अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना इनके जो बच्चे हैं वो मैं दिखाऊंगा। उन्होंने इस दफ़ा इन्होंने एक दफ़ा बच्चा मारा है, मतलब उसकी कोई ब्लैक कलर की आइज़ हैं, बिल्कुल वाइट है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और कमेंट में दोस्त ज़रूर बताया करें। दोस्तों आपके लिए बनाते हैं इतनी मेहनत से वीडियो कि आप कमेंट किया करें अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। ठीक है, इजाज़त दीजिए सब दोस्त। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को अपनी रहमत तले रखें। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए।